16 में हम करेंगे वीडियो डिस्कवरी एड्स के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, वीडियो डिस्कवरी एड जो आपने एड देखी होगी अपने उस पे, जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो अपनी जो आपकी फीड होती है उसमें आपको देखी होगी आपने कि एड आती है जो 2-3 वीडियो के बाद। ये जो डिस्कवरी एड है ये डायरेक्ट कभी भी आपके उसके वीडियो के अंदर नहीं आती, वीडियो के बाहर ही आती है। ठीक है, जब भी आप जैसे 2-3 वीडियो स्क्रॉल करते हो उसके बाद ये मेन ऐड होती है कि आपको कैसे अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। जैसे आपको मैंने पिछले चैप्टर में जो इंस्ट्रीम ऐड बताई थी वो होती है सब्सक्राइबर के लिए, बट जो ये डिस्कवरी ऐड है ये आपको व्यूज़ बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे आपने इंस्ट्रीम ऐड में टॉपिक प्लेसमेंट, ठीक है, उस कस्टमर इन्फिनिटी के बारे में किया था, ठीक है वैसे ही है ये, बट इसमें थोड़ा चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे, आपको पता है, गूगल ऐड। ठीक है, देन आपको पहले की तरह गेट मोर कस्टमर्स पर क्लिक करना है, देन आपको साइन इन करना है। ठीक है, ये आपका साइन इन हो रहा है। ठीक है, आपका साइन इन हो गया। देन आपको पहले की तरह ठीक है ये आ गया, देन आपको प्लस पे क्लिक करना है, देन आपको न्यू कैंपेनिंग पे क्लिक करना है, देन आपको क्रिएट अ कैंपेनिंग विदाउट अ गोल ऑडियंस पे क्लिक करना है, देन आपको वीडियो पे क्लिक करना है, देन आपको सबसे ऊपर जो है कस्टम वीडियो कैंपेनिंग इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। ठीक है, यहाँ कैंपेनिंग का आप नाम लिख सकते हो, मैं जैसे बना देता हूँ मोटिवेशनल। ठीक है, देन हम मैक्सिमम सीपीवी में क्या करेंगे, मैक्सिमम सीपीवी रखेंगे क्योंकि हमें इसमें व्यूज़ बढ़ाने हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको पता ही होगा कॉस्ट पर व्यू। ठीक है, देन आपको नीचे आना है, यहाँ से आप बजट वगैरह सेट कर लोगे अपना, एंड डेट वगैरह आपको पहले बता रखा है वीडियो में वैसे ही आपको सेट करना है, आप कितने टाइम की भी लगाना चाहते हो। देन आपको नेटवर्क्स पे क्लिक करना है, इसमें आपको YouTube सर्च रिजल्ट पे रहने देना है, YouTube वीडियोस पे भी रहने देना है। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सर्च करेगा तो वहाँ पे आपकी वीडियो की जो ऐड है वो शो हो सकती है। ठीक है, आपको पता है लैंग्वेजेस में वही रहेगा पहले की तरह, जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो या लोकेशन एरिया जो आप सेट करना चाहते हो। ठीक है, क्रिएट योर एड ग्रुप। मोटिवेशनल थॉट्स, ठीक है, ये हमने ऐड बनाने स्टार्ट कर दिया। यहाँ से डेमोग्राफी वगैरह आप सेट कर लोगे, देखो यहाँ से, ठीक है सारा, ये फीमेल वगैरह जो भी करना आप चाहते हो, आपको बताया कैसे, आपको कोई भी चीज़, आपको किस टाइप की डेमोग्राफी में, आपको किस टाइप का इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए, कौन सा टारगेट चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कितने एज लिमिट चाहिए आपको। देन आपको आना है ऑडियंस पे, ऑडियंस पे भी आपको पहले की तरह सेलेक्ट करना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ब्राउज पे क्लिक करके हु दे आर इंटरेस्टेड, ये हो गया कस्टम एफिनिटी, इसमें कस्टम एजुकेशनल, एजुकेशन कस्टम एफिनिटी बनाई थी मैंने पहले, आप यहाँ से मोटिवेशनल बना सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ आपका सेम रहेगा पहले की तरह। इसमें आ जाएगा जैसे हु दे आर, इसमें पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप, आप इसमें से कर सकते हो सिलेक्ट। ठीक है,
ये आप कहोगे देखो, बट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग इन मार्केट लाइफ इवेंट एंड कस्टम इंटेंट। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको पहले बताया हुआ। ये आ जाता है इसके बाद बिडिंग, मैक्सिमम सीपी बिड। इसमें क्या होता है कि आप पर व्यू कितना देना चाहते हो यूट्यूब पर, ठीक है, ये लिखा है ना, योर मैक्सिमम सीपी मतलब कॉस्ट पर व्यू, व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर समवन टू व्यू योर वीडियो एड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 0.30 पैसा, 40 पैसा, ठीक है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है कि आपको जैसे आपने पहले मान लो 30 पैसा, ठीक है, लगाया, इसमें आपने रिजल्ट देखा, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, मिला नहीं, मतलब अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिला, देन आपको क्या करना है कि 40 लगा सकते हो, 40 पैसा, इससे भी आपको दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर 50 लगा कर चेक करो। ये आपकी जो है स्ट्रेटेजी रहेगी आपको कि यूट्यूब पे आपके ऐड कैसे। आप ऐसा भी कर सकते हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, नीचे जैसे ऊपर से आपने 90 पैसा लगाया पहले, आपके पास अच्छे आ रहे हैं व्यूज़, देन आपने चेक किया कि मैं 80 लगा कर देखती हूँ, ये लगा कर देखता हूँ, तो 80 में आपको अच्छा मिल रहा है, 70 पे अच्छा मिल रहा है, 60 पे भी ऐसे मिल रहा है, देन आप वहाँ जाकर रुक जाना जहाँ जाकर आपको लगता है कि आपको जो है सेम मिल रहा है और अच्छा व्यूज़ आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से मैंने 40 पैसा लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया ये क्रिएट योर यूट्यूब एड, क्रिएट योर वीडियो एड, सॉरी यूट्यूब नहीं, क्रिएट योर वीडियो एड। इसमें आप क्या करोगे, अपना यूट्यूब चैनल ओपन करोगे, देन राइट हैंड साइड आपको आइकन दिखेगा आपका, जो भी आपका यूट्यूब चैनल के नाम से, जैसे ये कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से ये दिखेगा आपको, देन आपको योर चैनल पे क्लिक करना है, देन जैसे मैंने वीडियो डाली है इस पर क्लिक करूँगा, और ये ऊपर से आप फोन में कॉपी कर लो यू आर एल, ठीक है, ये हो गया कॉपी। वीडियो कैंपेनिंग पे दोबारा आ जाओगे, ये देखो ये आपके सामने आ गया, आपको कौन सी वीडियो के लिए कौन सा ऐड फॉर्मेट कौन सा चाहिए, स्किपेबल इनस्ट्रीम ऐड और वीडियो डिस्कवरी ऐड, या बम्पर भी आ रही है नीचे, बम्पर ऐड, ठीक है, आप इसमें क्या करोगे, वीडियो डिस्कवरी ऐड पे टिक कर दोगे। यहाँ से आप फ्रंट में क्या रखना चाहते हो, जैसे ये रख दिया मैंने, नेक्स्ट स्टेप से आपको देखो वीडियो जो है यूट्यूब पे ऐसे शो होगी हेडलाइन, ये डाल दिया, जैसे मैंने इसके लिए हेडलाइन डाल दिया इसके, हाँ ये डाल दिया, ठीक है, जैसे वॉच है इसके, किन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, कंटेंट राइटिंग में आते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन टू में लिख दोगे, डिस्क्रिप्शन टू में भी आप लिख दोगे जो आपका वीडियो जिससे टैग किया, आप उसके बारे में लिख सकते हो।
ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ऐड द नेम। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देन आपको क्या है, यहाँ से आपका सब कुछ सेट हो गया। बजट आप अपने हिसाब से बजट भी सेट कर सकते हो। ठीक है, एंड डेट डेट यू विल चेंज योर सेल्फ। ठीक है, देन क्रिएट ए कैंपेनिंग पे क्लिक करोगे। ओहो, बजट बजट मैं डाल देता हूँ, 1000 डाल देता हूँ। ठीक है, डाल देता हूँ 11 सितंबर से लेकर 16 तक डाल देता हूँ। ठीक है, देन क्रिएट कैंपेनिंग पे क्लिक करके ओके यूट्यूब यूज में जाकर यहाँ से आपको सब दिखा देगा वो कि आपका कौन सा वर्ड का आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको वर्ड चेंज करना पड़ेगा। ये आपका दिखा रहा है कि कितने व्यूज को दिखाएगा, बट इस पर आपने कभी नहीं जाना। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही एड्स पे आओगे, आगे आपका ऐड करो। इसमें आपका दिखा रहा है ग्रोथ का मैक्सिमम सीपीवी कितना, 0.40 कटेगा, स्टेटस एलिजिबल, मोटिवेशनल। ठीक है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसको डिलीट करके आप अपना प्लेसमेंट में जा सकते हो, ऐड को कहाँ लगाना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो बताया था प्लेसमेंट का टॉपिक का, आप वहाँ से इस ऐड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे प्लेसमेंट का आ गया, डेमोग्राफी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, आप एड्स कीवर्ड के जैसे भी आप लगाना चाहो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय।